93 से यह स्थित है करीबन 30 वर्षों से, और हमारे यहाँ जो एफिलिएशन CBSE बोर्ड न्यू दिल्ली से इस स्कूल को मान्यता प्राप्त है, और करीब 30 वर्षों से हमारा यह स्कूल जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, 100% बोर्ड रिजल्ट एवरी ईयर, और यहाँ शिक्षा जो है क्लास 1 से 12 तक की जाती है, आवासीय विद्यालय है यह, और यहाँ जो है पढ़ाई के साथ साथ हमारे स्कूल के छात्र छात्रा जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी खेलों में जो है अपना परचम लहरा चुके हैं, और इस स्कूल के जो महाप्रबंधक हैं IP सिंह, उनकी कल्पना है कि बच्चों को एक तकनीकी एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी विशेष वो ध्यान दे रहे हैं, और हम लोग जो हैं उत्तर बंगाल सिलीगुड़ी में विजिट करने आए हैं, और इस स्कूल का जो है प्रचार प्रसार हम लोगों का 2 दिनों से चल रहा है, और नामांकन के हेतु जो है हम लोग विजिट कर रहे हैं, जितने भी कोचिंग संस्था है जो हमारे कलीग्स वगैरह हैं यहाँ, उन लोगों से मैं हमेशा मैं फ़ोन पे और रूबरू भी हो रहा हूँ फिजिकली, और हम चाहेंगे कि आप लोग का काफ़ी कोऑपरेशन मिले हमारे स्कूल को, ताकि बच्चे यहाँ के भी जो हैं नैनीताल में अपना एडमिशन लें, नामांकन लें, और प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वह अगर बेस हम लोगों का मजबूत रहेगा तो तभी बच्चे जो है आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। नैनीताल का इतिहास मैं बता दूं कि नैनीताल में कई फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन और आपके जर्नलिस्ट सीनियर मृणाल पांडे और विवेक वगैरह जितने भी बॉलीवुड के जो स्टार हैं, अभिनेता हैं, वो वहाँ से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और वो एक अच्छे मंजिल पाए हुए हैं, मकाम पे हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ के भी छात्र छात्राएँ वहाँ एडमिशन लें और वहाँ पढ़ाई करें, और हम लोग शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी उनको जो है काफ़ी कोऑपरेट करेंगे और देश का नाम रोशन करें, जिला का नाम रोशन करें, और पहले भी बच्चे अभी कर रहे हैं, और यहाँ के भी बच्चों से मुझे उम्मीद है कि वो जाके एडमिशन लें, वहाँ पढ़ाई करें और अपने जिला नाम रोशन करें, राज्यों का नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें। कितने लोगों से अब तक आपने विजिट किया और ये कहाँ आपने ये संस्था खोली है? सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी में हमारा जो है गुप्ता अपार्टमेंट में हम लोगों की एक ऑफिस अभी एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ, मैं खोलने जा रहा हूँ, जिसके इनका देख रेख जो है मिस्टर फैसल अहमद समाज सेवी और शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए हैं, मिस सबीना हैं, ये लोग भी जो हैं शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और ये लोग जो हैं यहाँ से ऑफिस को संचालन करेंगे और कॉलेज का जो है एडवर्टाइज वगैरह ये करते रहेंगे। यहाँ के बच्चे या अभिभावक अगर आपसे जुड़ते हैं जी, उनको क्या रियायत मिल सकती है, क्या आप सुविधा दे सकते हैं? देखिए एजुकेशन में और आर्थिक रूप से। देखिए हमारा स्कूल जो है, हमारे जो प्रबंधक महाप्रबंधक हैं IP सिंह, उनकी कल्पना ही है कि गरीब से गरीब बच्चों को भी वो विशेष ध्यान देते हैं। सभी स्कूल या कई भी स्कूल प्राइवेट होते हैं, उन लोगों का मिशन जो भी हो, पैसे कमाना या जो भी हो, एक होता है कि उन लोगों का टारगेट होता है, लेकिन इस स्कूल नैन्सी कॉन्वेंट जो है, इस स्कूल की एक अलग विशेषता है, गरीब निर्धन बच्चों को भी ये जो है कोऑपरेट करती हैं और स्कॉलरशिप वगैरह सब जो है राज्य सरकार से दिलवाती हैं, और बच्चों को जो है आवासीय विद्यालय में पढ़ा करके उनके एक अच्छे लक्ष्य को टारगेट के तौर पर ले जाते हैं और एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड CBSE बोर्ड है जी, जी, जी। और सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12 तक है जी। श्री गणेश कहाँ से करते हैं, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा तो क्लास वन से हमारा 12 तक का है। क्लास 12 तक इसमें CBSE बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त न्यू दिल्ली से है, और हम लोग क्लास 1 से 12 तक बच्चों को एजुकेशन देते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ देखने को मिल रहा है, फुल्ली रेजिडेंशियल यह है कि बच्चों को जो है घर जैसा माहौल मिले। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदीराम बल्ली हिलकार रोड सिलीगुड़ी, श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। हमारे स्कूल में डे स्कॉलर नहीं है, हमारे यहाँ फुल्ली रेजिडेंशियल है विगत 30 वर्षों से। तो यह स्कूल जो है बच्चों को जो है एक घर जैसा माहौल, पढ़ाई के साथ साथ खेल, टाइमली उनका जो
प्रोग्राम होता है, जैसे डिबेट्स, कल्चर प्रोग्राम, ऑल टाइप्स ऑफ ये प्रोग्राम्स इन अ स्कूल, सभी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। टाइम टू टाइम उसको उठना, टाइम टू टाइम बेड से उठना, टाइम टू टाइम एक समय की जो समय सीमा होती है बच्चों की, वह हम लोग सिखाते हैं उसमें कि टाइम टू टाइम क्या करना है बच्चों को, वह हम लोग जो है प्रारंभिक शिक्षा में ये सब भी ज्ञान देते हैं। सबसे बड़ी बात है सर, यहाँ से जब भी बंगाल से जब नैनीताल जाएगा, यहाँ से बहुत दूरी है जी, तो वो बच्चा कहाँ पर रहेगा, क्या उसका हेल्प किया जाएगा? देखिए यहाँ से कई सारी ट्रेनें हैं जो उत्तराखंड नैनीताल, नैनीताल एक पर्यटक स्थल भी है और नैनीताल एक एजुकेशन के मामले में बहुत जाना माना फेमस, जो आप लोग भी जानते हैं काफ़ी फेमस है, और एजुकेशन बोर्डिंग स्कूल एक मतलब 30 वर्षों से, और मैं देखा हूँ कि वहाँ जो है एजुकेशन का माहौल काफ़ी बोर्डिंग स्कूल का बना हुआ है, और यहाँ से आने जाने का जो भी है बिल्कुल ट्रेन से है, काठगोदाम स्टेशन पहुंचेंगे बच्चे, वहां से हमारी स्कूल बस और स्कूल की जो कार है वो रिसीव कर लेती हैं गार्जियन बच्चे सब लोगों को, और आकर के स्कूल वहां से करीबन 15 किलोमीटर काठगोदाम रेलवे स्टेशन से है, और वहां जो है बच्चों को फिर जो है एडमिशन कराया जाता है। जो टैलेंटेड बच्चे जी जी, और आर्थिक रूप से एकदम मैंने बताया आपको कि तो उसको क्या आप दे जी जी, मैं आपको बताया अभी कि आर्थिक रूप के जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप के द्वारा भी जो है हमारे स्कूल में जो है एडमिशन दिया जाता है, बच्चे राज्य सरकार, उत्तराखंड राज्य सरकार से भी उनको मदद की जाती है, और इस तरह बच्चे अपने पढ़ाई को पूरा कर पाते हैं। जो बच्चे यहाँ से सिलीगुड़ी से अगर जाते भी हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि बहुत दूर हो जाता है, गैपिंग पड़ जाता है, तो रहने का, खाने पीने का, उसके लिए आप लोगों ने हमारे यहाँ सारा प्रबंध है, क्योंकि आवासीय विद्यालय है, वहाँ बच्चे के रहने का, गार्जियन के रहने का, गेस्ट के रहने का, सबका वहाँ रूम वगैरह सारा चीज अवस्थित है, उसके लिए कोई अलग से कुछ फीस नहीं, ऐसी कोई चार्ज नहीं है, बच्चे जाए वहाँ पे, गार्जियन जाए वहाँ विजिट करें, और अपने बच्चे एक दूसरा घर माना जाता है नैन्सी कॉन्वेंट नैनीताल, तो वहाँ बच्चे जाएँ और गार्जियन जाएँ, पहले विजिट करें वहाँ जा कर के, उन्हें लगेगा कि हाँ हमें घर जैसा माहौल मिल रहा है, क्योंकि तो जो हमारे चेयरमैन और प्रिंसिपल एसके सिंह जो है संजय कुमार सिंह, उन्हें विगत 29 वर्षों से अनुभव है आवासीय विद्यालय का, वो प्रिंसिपल हैं हमारे यहाँ, और बिल्कुल गार्जियन जैसा उनका व्यवहार है बच्चों के साथ, और वहाँ किसी प्रकार की दिक्कत बच्चे एवं गार्जियन को नहीं होती। बच्चे को क्या पैगाम देना चाहते हैं सिलीगुड़ी बा वेस्ट बंगाल के बच्चे? मैं पैगाम यही देना चाहता हूं कि आप एक बार कॉलेज को विजिट करें, स्कूल को विजिट करें, कैंपस को देखें, और तभी फिर आगे जो है कोई कदम उठाएं एडमिशन का, और मुझे लगता है कि वो निराश नहीं होंगे, ये मैं आपको वचन देता हूँ, वादा देता हूँ, करता हूँ कि किसी तरह का वहाँ पर आपको जो है तकलीफ नहीं होगी, आए और घर जैसा बिल्कुल माहौल मिलेगा। तो यहाँ पर किससे कॉन्टैक्ट करेंगे जो आपसे, आप लोग का स्कूल से जो ये अभी मैं कोचिंग संस्था वगैरह सबसे मैं अभी विजिट किया हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि शाद अहमद जो है ये नैन्सी कॉन्वेंट से आए हैं नैनीताल से, और हम लोग सिलीगुड़ी वासी हैं, और जिस तरह सबीना है तो देखिए हम लोग स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए हैं, आप सभी के बीच में हम लोग जो है दिखते भी रहे हैं, साथ भी रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए नैन्सी कॉन्वेंट का नाम हम लोगों ने भी सुना है, क्योंकि अगर अच्छा एजुकेशन मिलता है तो बच्चे तो विदेश भी जाते हैं, फॉरेन भी जाते हैं पढ़ने के लिए, ये तो हमारे हिंदुस्तान में ही है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि दार्जिलिंग में भी यहाँ स्कूल कॉलेजेस हैं, लेकिन जो फीस स्ट्रक्चर जो हमने देखा है, जो साथ साथ से हम लोगों का जो भी हम लोग एजुकेटर हैं, जो हम लोग बच्चों को यहाँ शिक्षा देने का काम करते हैं, जो डिस्कशन इनसे हुआ है कि दार्जिलिंग में या स्थानीय, जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्कूल वगैरह खुले हुए हैं जो राजस्थान कहाँ कहाँ से आकर के ब्रांच फ्रेंचाइजी खोल के चला रहे हैं, उनका फीस बहुत ज़्यादा है, और हम लोग को पसंद आया है कि नैन्सी कॉन्वेंट नैनीताल के द्वारा जो है फीस भी इनकी कम है, और जो छोटे छोटे बच्चे चूँकि एक क्लास से शायद वन क्लास से जो है एजुकेशन और ट्वेल्थ तक पढ़ाई होगी वहाँ पे, तो हमें लगता है कि बच्चे छोटे उम्र में जाएंगे तो बड़े हो गए शायद वो निकलेंगे वहाँ पे। और देखिए अमिताभ बच्चन और भी बहुत सारे जो राइटर हुए हैं, जर्नलिस्ट हुए हैं, बहुत सारे लोग वहाँ के प्रोडक्ट रहे हैं, तो हम लोग को काफ़ी खुशी हुई है कि नैन्सी कॉन्वेंट के जो MD हैं मिस्टर IP सिंह साहब का, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने साथ साहब को जो है एक प्रतिनिधि बना करके आपने उत्तर बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इलाकों में आपने भेजने का काम किया है, और आने वाले समय में हमारे सिलीगुड़ी शहर खासकर दार्जिलिंग से भी हमारे बच्चे वहां स्टडी जरूर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ माँ बाप के लिए क्या होता है, फीस स्ट्रक्चर, हर किसी का कंडीशन एक सा नहीं होता है, किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास पैसा नहीं भी होता है,
तो हमने ये एहसास, हम लोग को एहसास हुआ है कि नैन्सी कॉन्वेंट नैनीताल के द्वारा उचित प्लेटफॉर्म जो है यहाँ के विद्यार्थियों को मिलेगा। और जिस तरह शाद साहब को उन्होंने जो भेजा है अपना दूत बना करके, अपना प्रतिनिधि बना करके, तो हम लोग अभी दो दिन से प्रधाननगर में कोचिंग सेंटर है, अब हम लोगों के जो कलीग्स हैं उनके पास भी है, तो हम लोगों ने जो है काफ़ी विजिट करने का काम किया है और हमें लगता है आने वाले समय में रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और हम सिलीगुड़ी वासी मिस्टर आईपी सिंह जो एमडी है इस संस्था के, नैन्सी कॉन्वेंट स्कूल के, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है सिलीगुड़ी और खासकर दार्जिलिंग नॉर्थ ईस्ट के लिए भी सोचा है कि यहां के भी बच्चे नैनीताल में जाके अध्ययन करें। भविष्य में क्या ऐसा भी कोई प्लान है कि सिलीगुड़ी के अंदर भी उत्तराखंड से यहाँ भी कुछ ब्रांचेस वगैरह खुला जाएगा? देखिए देखिए, मैं यहाँ के आवाम को मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, साध साहब कॉलेज के स्कूल की तरफ से आए हैं और वहाँ हर तरह की व्यवस्था है, नर्सिंग का भी है, बहुत सारे जो है एजुकेशन का जो है माहौल अच्छा है वहाँ पे। और जिस तरह आपने कहा कि क्या ये इंस्टीट्यूट